हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आप सभी के साथ रेड सॉस चिकन पास्ता की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत जल्दी बन जाता है। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आती है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। इस रेसिपी को बनाने के लिए 250 ग्राम से 300 ग्राम तक चिकन ब्रेस्ट का यूज़ कर रही हूँ। इसे मैंने क्यूब के शक्ल में कट कर लिया है। सबसे पहले इसके मैरिनेशन करेंगे, तो उसके लिए हाफ टी स्पून नमक का यूज़ करेंगे, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, 1/4 टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, 1 पिंच ऑरेंज फूड कलर, ये ऑप्शनल है। 1 टेबल स्पून इसमें वेजिटेबल ऑयल का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग ऑलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हो। अब इसे 15 मिनट्स के लिए मैरिनेट करेंगे। इस चिकन को शेल फ्राई करेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर 2 टेबल स्पून ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। इसे मीडियम फ्लेम में 5 से 6 मिनट्स के लिए शेल फ्राई करेंगे। अब ये रेडी है, इसे निकालेंगे। अब इस पास्ता के लिए सॉस बनाएंगे, तो इसके लिए इसी पैन में 1 और टेबल स्पून ऑयल डाल रही हूँ। 2 टेबल स्पून बटर का यूज़ करेंगे। जब बटर मेल्ट हो जाए, अब इसमें 13 से 15 चेरी टोमेटोज डालूंगी। अगर आप लोगों के पास ये अवेलेबल ना हो, तो आप लोग 6 से 7 मीडियम साइज टोमेटोज का भी यूज़ कर सकते हो। मेरे पास कुछ चेरी टोमेटोज था एंड कुछ नॉर्मल टोमेटोज, तो मैंने वो भी यूज़ किए। हाफ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स डालेंगे, आप लोग 1 टीस्पून तक का यूज़ कर सकते हो। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, हाफ स्पून गार्लिक पाउडर, 1/2 कप टोमेटो पेस्ट में 1/2 कप पानी डाल दिया है मैंने, ये भी इसमें यूज़ करेंगे। 1 हैंडफुल स्पिनच का यूज़ करेंगे, ये चिकन इसमें डालेंगे। 1/2 टी स्पून उसमें सॉल्ट का यूज़ करेंगे, आप लोग टेस्ट भी यूज़ कर सकते हो, कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसके लिए 2 कप शेल पास्ता का यूज़ कर रही हूँ, आप लोग किसी भी पास्ता का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर मैंने कुछ पानी रख दिया है, ऐसे पैकेट के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से बॉईल करेंगे। इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल का यूज़ करेंगे एंड 1 टी स्पून सॉल्ट, नमक आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हो। इस पास्ता को मैंने 14 मिनट्स के लिए बॉईल किया, अब इसका पानी ड्रेन करके कुछ पानी बचा रही हूँ, ये वही 1/2 कप पानी है। अब इस सॉस के ऊपर डालेंगे। इसमें पास्ता को ऐड करने के बाद 1/2 कप मोज़रेला चीज़ का यूज़ करेंगे, इसमें डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये पास्ता सर्व करने के लिए रेडी है।